सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान सुपरहिट थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की अच्छी कमाई हुई। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान के अलावा हर्षाली मल्होत्रा, करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। काफी समय से फैंस चाहते थे कि इस फिल्म का सीक्वल बने और अब लगता है कि जल्द ही उनकी ये ख्वाहिशें पूरी भी होने वाली हैं। दरअसल पिंक विला को दिए इंटरव्यू में राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म का सीक्वल बने। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में सलमान खान से डिस्कस किया गया है और एक्टर को उनका आइडिया बेहद पसंद आया है और वह भी सीक्वल को लेकर एक्साइटेड है। इसके साथ ही केवी ने बताया कि मैं बजरंगी भाईजान 2 को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मैंने सलमान को इस बारे में बताया था और वह भी इसके लिए एक्साइटेड थे, लेकिन मैं इसके लिए एक प्रॉपर गाड़ी चाहता हूँ जो इसे आगे लेकर जाए। इसके अलावा केवी ने बताया, अगर सब सही रहा तो जल्द ही फैंस इस फिल्म का सिक्वल देख पाएंगे। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान में दिखाया गया था कि कैसे पाकिस्तान से एक बच्ची गलती से भारत में रह जाती है। सलमान उसे उसके देश, उसके घर छोड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और वहां उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी काफी इमोशनल थी और इस फिल्म के जरिए हर्षाली मल्होत्रा को भी दर्शकों द्वारा बेहद प्यार मिला। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।